खबर पश्चिम बंगाल तो है जिथे एक बार मुड़ तो पुलिस की तशद्दद की गल सामने आई है। मुजहरा कर रहे सिख नौजवान की दस्तार पुलिस ने उतारी। पुलिस मुलाजमान ने बुरी तरह नाल कुटमार की। मनजिंदर सिंह सिरसा ने घटना से रोस जाहिर किया है। ममता बैनर्जी तो दोषी पुलिस मुलाजमान से कार्रवाई की मांग की है। एक खबर आई है पश्चिम बंगाल तो जिथे पुलिस की तशद्दद का मामला सामने आया है। मुजहरा कर रहे सिख नौजवान की पुलिस वालों दस्तार उतारी गई। पुलिस मुलाजमान ने नौजवान नाल बुरी तरह नाल कुटमार की। इस वीडियो के वायरल होने तो बाद दिल्ली कमेटी प्रधान मनजिंदर सिरसा ने इस घटना से रोस जाहिर किया है। ममता बैनर्जी तो दोषी पुलिस मुलाजमान खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तस्वीर दर्शक देख सकते हैं कि किस तरह के नाल पश्चिम बंगाल पुलिस की तशद्दद इत्थे नजर आ रही है। मुजहरा कर रहे सिख नौजवान की पुलिस वालों दस्तार उतारी गई। उस तो बाद नौजवान के नाल कुटमार की गई। दिल्ली कमेटी प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा और श्री केसगढ़ साहब के जथेदार ने दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कलकत्ता पुलिस वालों सरदार बलविंदर सिंह जी नाल कुटमार की गई, उन्हां दी दस्तार उतारी गई, उन्हां दी केसां दी बेअदबी की गई। इसकी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी कड़े शब्दों च निंदा करती है। बड़ी ही शर्मनाक घटना है। मैं ममता बैनर्जी जी नूं इह याद करवाउणा चाहुंदा, इह उह दस्तार आ जो सानूं साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने चार लाल वार के दित्ती। इस दस्तार की जो मार उत्थों की पुलिस ने, बंगाल की पुलिस ने इहदा निरादर किया, उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं ममता बैनर्जी जी नूं इह बेनती करदा हां कि 295A के तहत मुकदमा दर्ज करके उत्थों की पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए और सरदार बलविंदर सिंह जी ने इंसाफ दवाया जाए।